मिनिमम डाउन पेमेंट गेस करो क्या होने वाला है, 25,000 से भी कम है। ये देखो जैसे का रिमोट है, यहाँ से मैं आपको सिर्फ यहाँ से इग्निशन दूंगा और यहाँ पे आप देखना कितनी प्रीमियम लग रही है ना, देख सकते हो। इतना कम ईएमआई पे आपको मिलने वाला है यार, अब क्या चाहिए आप लोगों को, तो एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं रिवॉल्ट के शोरूम में और फिलहाल जो है हम लोग इसका फुल फाइनेंस डिटेल्स कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए और इसका आज फुल रिव्यू भी करेंगे, फुल वॉक अराउंड लेंगे, इसका किस तरह का कॉस्मेटिक है, किस तरह का कॉकपिट इसका होने वाला है, उन सभी चीज़ की बात करेंगे और इसका लोएस्ट डाउन पेमेंट क्या है, कितना मिनिमम आप डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ले जा सकते हो और इसका मिनिमम ईएमआई क्या होने वाला है उसकी भी बात करेंगे। तो बिना स्किप के चैनल के साथ बने रहो, बात करते हैं इसके एक शोरूम प्राइस का, उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके ऑनरोड प्राइस का। चलिए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक शोरूम प्राइस की और हम उसके बाद बात करेंगे इसका ऑनर प्राइस का। तो सबसे पहले इसका एक शोरूम प्राइस जो आपका पटना में होने वाला है वो आपको होगा 1,34,975 रुपीज़ और अब हम बात करते हैं इसका ऑनर प्राइस का जो हमारी रिवॉल्ट 400 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इसमें लुक मिलने वाला है। अब हम इसका ऑनर प्राइस आपको बता दें तो इसका ऑनर प्राइस जो आपको पटना में होगा वो आपको होगा 1,85,988 रुपीज़। जी हाँ, चलो अब मैं बता देता हूँ इसका आपको मिनिमम डाउन पेमेंट, गेस करो क्या होने वाला है, 25,000 से भी कम है। तो चलिए मैं बता दूं आपको, तो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपको होगा वो आपको होने वाला है 21,652 रुपीज़। अब बात करते हैं इसके 24 मंथ्स के ईएमआई की, तो 24 मंथ्स का जो इसका ईएमआई जाएगा वो आपको होने वाला है 8,312 रुपीज़ और अब बात करें 36 मंथ का, तो 36 मंथ में जो इसका ईएमआई जाएगा वो होगा आपको 5,923 रुपीज़। चलिए अब हम बात करते हैं इसका 48 मंथ का, तो 48 मंथ में जो इसका ईएमआई जाने वाला है वो होगा आपको 4,729। अब हम बात करते हैं इसका 50% डाउन पेमेंट और साथ ही साथ जो हम लोग आगे बात करेंगे इसका क्या मिनिमम ईएमआई क्या होने वाला है, तो बिना स्किप के चैनल के साथ बने रहो, मैं आपको आगे डिटेल दे रहा हूँ। तो चलिए इसका अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 50%, यानी कि अगर आप कर देते हो 95,372 रुपीज़, तो इसका ईएमआई जो आपको 24 मंथ का होगा वो आपका होगा 4,639 रुपीज़। 36 मंथ की बात करें तो 36 मंथ में होने वाला है 3,306 रुपीज़। और इधर आओ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या सबसे लोएस्ट ईएमआई वो आपका होने वाला है 48 मंथ्स में, गेस करो, बिल्कुल वो आपका होने वाला है 2,639 रुपीज़ मिनिमम। मतलब यार इतना कम ईएमआई में मिलने वाला है, सोचो इतनी अच्छी आपको इलेक्ट्रिक बाइक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2,639 रुपीज़ के ईएमआई पे मिल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं, मैं इधर दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हो इतना कम ईएमआई पे आपको मिलने वाला है यार, अब क्या चाहिए आप लोगों को, तो एक लाइक ज़रूर हो जाना चाहिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके ROI का, तो इसका जो ROI होने वाला है, ROI क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका जो ROI होने वाला है वो आपको होगा 7.99 to 11.68। ये आपका जो है आपका सिविल पे भी डिपेंड करेगा और आपका जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करेगा और उस समय जो है आपका बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले ये चीज़ बता दें आपको कि ये जो मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ ये आपका IDFC का है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाला है, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो कंपलसरी ही है, वो तो देना ही है, आगे क्या देना है वो भी मैं बताता हूँ। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर ATM या पासबुक अवेलेबल करा देना जो आपके पास अवेलेबल होगा, उसके बाद फिर गैस कनेक्शन अगर है तो वो दे दो, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप अपना बिजली कनेक्शन दे देना, यानी कि इलेक्ट्रिक बिल अपना अवेलेबल करा देना, कुछ इस तरह का जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसका बुकिंग डिटेल्स का, बुकिंग डिटेल्स मैं आपको बता दूं, बुकिंग के लिए आपको जो मिनिमम बुकिंग अमाउंट जो आपका होने वाला है वो आपको 2,499 होगा, यानी 2,499 रुपीज़। और अगर चॉइसली आप करना चाहते हो उसका बुकिंग अमाउंट वो भी कर सकते हो। अगर बुकिंग डिटेल्स और शोरूम डिटेल्स की बात करें कि किस एग्जीक्यूटिव से आपको बात करना पड़ेगा, तो आपको डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है और साथ ही साथ जो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और वहाँ पे आप जाके चॉइस डाउन पेमेंट भी आप बात कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको चॉइस डाउन पेमेंट का अवेलेबल ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगा, इनफैक्ट कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मेरे से भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में डिटेल्स अवेलेबल करा दूंगा। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगर मान लो बुकिंग करते हैं तो बुकिंग में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना है क्या, तो बुकिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं देना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो, बस आपका बुकिंग हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इतना डिटेल्स मैंने आपको दे दिया, अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका किस तरह का कॉस्मेटिक होने वाला है और इसका आप लुक देख सकते हो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिवॉल्ट की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। तो इसका फुल वॉक अराउंड लेते हैं हम लोग, और इसका किस तरह का साउंड है वो भी हम लोग सुनेंगे। इसमें आपको मूड भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का इसमें आपको मूड मिलने वाला है और इसका साउंड जो है वो किस तरह का आपको आएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहो, हम लोग के चैनल पर अभी तक बने हुए हो आप तो वीडियो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ और उनको भी नॉलेज दो इस गाड़ी के बारे में। ये जो हमारी इको फ्रेंडली बाइक है इसको आप ले जा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी है और आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक में इंटरेस्टेड हैं तो जाइए और चेकआउट कीजिए और आज के आज जो है अपनी ड्रीम इलेक्ट्रिक बाइक बुक कीजिए। ओके गाइज, होप सो आप लोगों का फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप रिवॉल्ट RV 400 का फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है पार्ट 2, जाइए और चेकआउट कीजिए।